ट्रिपल ई डिलाइट्स। फ्रेंड्स आज हम ग्वारफली की सब्जी यहाँ पे बनाएंगे, थोड़ा सा अलग तरह से बनाएंगे। और इससे पहले भी मैंने अपना ऑलरेडी मेरे चैनल में एक वीडियो पड़ा हुआ है ग्वारफली की सब्जी का, पर यहाँ पे आज मैं बेसन के साथ में थोड़ा अलग तरह से बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्वारफली की सब्जी बनाना। तो यहाँ पे हम बेसन डाल के जो ग्वारफली बना रहे हैं आज, थोड़ा सा नए तरह से बना रहे हैं। और ये भी इस तरह से भी आप बना के देखें, बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये ग्वारफली को हमने उबाल के और सिर्फ दो विसल्स हमने इसमें लगाए थे, और इसमें साइड से ये रेशे होते हैं इसके, ये मैंने सभी के निकाल दिए थे और बॉईल करने के बाद में ही मैंने निकाल के रखे हैं, देखिए। तो अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हम इसमें ये बेसन हमने लिया हुआ है, हल्का सा रोस्ट कर लिया है हमने इसको, इस तरह से ये इसमें डालेंगे पूरा। और ये बेसन हमने इसमें डाल दिया है, तो बेसन को आप थोड़ा सा घी डाल के अगर रोस्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा टेस्टी लगता है। और साथ में कुछ लोग जैसे कहते हैं कि हम रोस्ट करते हैं तो बेसन रोस्ट करते टाइम उसमें हल्की सी छोटी छोटी सी गुठली आ जाती है, तो जब आप उसको छान के फिर यूज कर सकते हो, या फिर हाथ से इस तरह से मैश करके इजिली, बिल्कुल ये देखिए गुठली को हम इस तरह से मैश कर देते हैं, तो आप इस तरह से भी यूज कर सकते हो। और साथ ही साथ अब इसमें ये चावल का आटा हम डालेंगे थोड़ा, और इनको हम इस तरह से मिक्स करेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा हम इसमें हल्का हल्का सा पानी का छींटा देंगे इस तरह से, देखिए, ताकि जो हमने बेसन और चावल का आटा इस पे डाला है उसकी कोटिंग बढ़िया से हो जाएगी। ये देखिए सभी फली में आप देख रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हुआ है। थोड़ा सा पानी और मैं यहाँ पे इसमें करती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए ये देखिए इसमें मैंने अच्छे से कोटिंग कर दी है बेसन की और चावल के आटे की। तो फाइनली ये स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे दूसरा स्टेप करते हैं। इसको इस तरह से ये रख के और अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। और ये जो बेसन डाल के हम ग्वारफली बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा हमें ऑयल ज्यादा जरूरत होता है यहाँ पे, तो ऑयल डाल के हम गर्म करेंगे। साथ ही साथ ये जीरा डाला हमने इसमें और हम इसमें प्याज डालेंगे। सब्जी अभी तीन कभी कुछ अलग तरह से बनानी चाहिए तो एक नया टेस्ट मिलता है, खाने में भी अच्छी लगती है। अभी देखिए इसको प्याज को इसमें थोड़ा सा भून लेंगे हम पहले। और प्याज को हल्का सा भून लिया है, गैस धीमे करेंगे। इसमें हमें मसाले ऐड करने हैं, सबसे पहले हींग डालेंगे इसमें, उसके बाद में इसमें हम हल्दी डालते हैं, थोड़ा हल्दी डाल दी, साथ ही साथ इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर, थोड़ा सा पिसी लाल मिर्च इसमें डालेंगे। आप तीखा अगर थोड़ा सा आप स्पाइसी पसंद हो तो आप थोड़ा ज्यादा मिर्च डाल सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। और फाइनली इसी के साथ में हम यहाँ पे गरम मसाला भी डालेंगे। और इसी मसाले में हम नमक भी ऐड करेंगे ताकि जब हम फली इसमें डालेंगे तो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाएगा। तो नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही रखना है। तो देखिए मसालों को अच्छे से भून लिया हमने, और अब इसके अंदर ये फली हम डालते हैं। और अब गैस वापस से हम तेज कर देंगे हाई फ्लेम में। इन फली को कम से कम 5 से 6 मिनट के लिए हम भूनेंगे। और ग्वारफली हमने सब्जी को अच्छे से भून लिया है। सबसे लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा यहाँ पे खटाई अमचूर पाउडर यूज करूंगी, ऑप्शनल है, जिनको ना पसंद हो वो बिना यूज किए भी इसको बना सकते हैं, तब भी टेस्ट अच्छा आता है। और अगर जिनको पसंद हो वो अगर यूज कर लेंगे तो टेस्ट और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो बस इसको फाइनली मिक्स करके और अब हम इसे निकाल लेंगे। और ये देखिए बढ़िया सी बेसन वाली ग्वारफली की सब्जी बनके रेडी हो गई है।
और बहुत ही सिंपल है बनाना, बहुत ज्यादा अच्छी भी लगती है खाने में। तो इस नए तरह से आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और जाने से पहले मैं आप लोगों से कहूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल ए डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज फ्रेंड्स उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।